सो सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त दिलप्रीत सिंह एंड वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। सो अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले फटाफट से आई बटन में लिंक डाल रहा हूं, कल का ब्लॉग देख लो, उसके बाद आज का ब्लॉग कंटिन्यू करना। सो हम हैं शिवा ढाबा पर इस टाइम पर। आज है संडे, आप ये ब्लॉग देख रहे हो ट्यूजडे को। सो पहले हमने मंडे को डाला था कल का ब्लॉग, मतलब आज का जो आगे आने वाला पार्ट था, एंड आज हम डालेंगे आज का वापस जाने वाला पार्ट। वैसे बॉर्डर बंद है जाते हुए देखेंगे, जो डाइवर्जन लेंगे रास्ते के अंदर, एंड उसके बाद फिर घूम फिर के जाना पड़ेगा। सो पहले करते हैं आज का ब्लॉग शुरू लाइनअप से, तो मैं आपको देखता हूँ, लेके चलता हूँ लाइनअप पे, फटाफट से लाइनअप दिखाते हैं आपको। चलिए, सो ये है आज का लाइनअप, वहाँ से शुरू हो रही है, सबसे किनारे पे खड़ी है Z920 20, एंड ये खड़ी है, क्या नाम है, दिशु व्लॉग्स। ये दिशु व्लॉग्स की KTM, मैंने बोला शॉर्ट आउट देने के लिए, मैंने दे दिया, भाई का चैनल चेकआउट कर लो। एंड कहाँ खड़ी है हमारी बे, वो किनारे पे खड़ी हमारी, देखो ये खड़ी नहीं, बोलना क्या जा रहे हैं सर आप? नहीं, तारण कुछ बोलना जा रहे हैं सर? तारण क्या बोलना जा रहे हैं आप? नहीं बताइए सर, वीडियो काट देना, मैं आ गया होगा शायद, अगर गलती से आ गया होते, तेरी वड़े मेरी एड़ी थोंडा है। ये पहले पहले सिगरेट ही फूकते रहते हैं, बाद में कहते हैं सर वीडियो काट देना। अब तो तेरी मम्मी भी देखेगी, तेरे पापा भी देखेंगे। तो अपनी बेब के आगे खड़ी है DC पंजाबी राइडर। मैं भाई का चैनल दिखा दूं जरा फटाफट से एक बारी, कहाँ लिखा जी, ये रहा DC पंजाबी राइडर, महंगी बातचीत किसकी, ये मोटा सा इंसान जो मस्त लगा के घूम रहा है। थैंक यू, जिसने अभी नवी नवी बाइक ठोक दी वो तेरी है, नहीं लगा सकी। तो अगर आपने ये ठोकने वाला ब्लॉग देखना है तो उनके चैनल में जा सकते हैं, वहां देखिए कैसे उन्होंने रखे मारी बाइक रखे। सो लो जी, निकल गए हैं हम यहाँ से, एक्चुअली हमारे सारे राइडर्स आके जा चुके हैं, क्योंकि मैं मायूक की बाइक पे ब्लॉग करने गया हुआ था। तो ये जो ब्लॉग है वो आपको दिखेगा आई थिंक कल या परसों, कल या परसों के अंदर आ जाएगा, वेडनेसडे को आना आई थिंक ये ब्लॉग, हाँ तो कल आ जाएगा ये ब्लॉग, तो कल ज़रूर देखेगा Z920 20 BS6 बाइक, तो बहुत शानदार बाइक है ना, स्पीड से अपनी बाइकों में खींची बैठेगी, क्योंकि हमारे बाकी सारे राइडर नहीं यहीं खड़े हैं, नहीं कुछ कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ कुछ जा चुके हैं। चलो तो मैं फटाफट से कुछ राइडिंग शॉट ले लेता हूँ, मायूक की बाइक है, उसको हमारे अगले ब्लॉग में यूज़ करने के काम आएंगे। मायूक बाइक यहाँ चला इधर, तो ये जो राइडिंग शॉट मैंने अभी भी ली है इसको म्यूजिक के साथ डालेंगे इंग्लिश में, और अभी हम शुरू करते हैं राइड अपनी। अरे मैं कह रहा हूँ इस जर्मन ब्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है पावर के अंदर यार, चीर फाड़ के निकल जाती है ना, ट्रैफिक शुरू हो गया। अब हम इस समय है हापुड़ शहर के अंदर, तो अगर आप हापुड़ शहर में रहते हैं तो आप सबको हेलो हाय सत श्री अकाल। तो वापस जाते हुए मैं अलग रास्ता देखना पड़ लेना पड़ेगा, मैंने कल के ब्लॉग में बताई थी ये बात आपको, क्योंकि जो बॉर्डर है वो बंद है जाने का, दिल्ली एंटर करने का, तो हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ से जाते हैं घूम के। तो हमारे आगे चल रहे हैं हमारे बड़े भैया अपनी निंजा 1000 पे, आजकल राइड कम कर दी है हमारे बड़े भैया ने, और देखिए जो जो उन्होंने जैकेट पहन रखी है वो एयर बैग जैकेट है, मेरे पास भी है, लेकिन उसका एक्चुअली सेटअप लगता है बाइक के ऊपर, पहले मैंने वो लगाया नहीं हुआ अभी तक, इसलिए मैं इस वाली बाइक पे डाल नहीं रहा, पहले भूसा पे डालता था मैं, बट अब सोच रहा हूँ सर्दी अभी आ गई है, डबल जैकेट पहनी आ सकती है, सो उसका सेटअप लगाऊंगा एंड अगली राइड में पहन, अगली राइड से पहन के आऊँगा, जो कि थोड़ी सेफ्टी एक्स्ट्रा हो जाती है अगर आपके पास एयर बैग वेस्ट है तो, उसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर आप कभी बाई चांस आपका बाइक से फॉल होता है तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर ही जो जैकेट है उसमें सिलेंडर साथ में लगा हुआ है, तो वो सिलेंडर जो है वो पुश होता है, उससे वो सिलेंडर जैकेट में आपकी हवा भर जाती है एंड आपको जो चोट लगनी होती है वो नहीं लगती है, कम लगती है कंपेरेटिवली। तो एक्चुअली वो दिक्कत क्या है कि वो जो जैकेट है उसकी थोड़ी लेंथ छोटी है, तो मुझे थोड़ी कम्फर्ट नहीं हो पाती, एंड वैसे आपको पता ही है हम हष्ट पुष्ट है, हाँ जी हम हष्ट पुष्ट है, तो जरा सेहत का राज है हमारी, मोटापा भी है, तो इस चक्कर में थोड़ी जैकेट कई बार लगता है कि यार अजीब ना लगे। तो आप ही एक सुंदर से खेत देख रहे हैं,
तो याद रखिएगा, वैसे मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंसान हूँ नहीं यार, मैं ज़्यादा ओपिनियन देता ना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन मामले में, बट फिर भी आपको कहूँगा अगर सपोर्ट आवर फार्मर्स, अगर फार्मर्स नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप चाहे उसको मानो ना मानो, वो हमेशा ओमनी प्रेजेंट है आपकी लाइफ के अंदर। आप जो खाना खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो सब उनकी बदौलत है। अगर वो हमारे लिए मेहनत नहीं करेंगे तो हम कभी खाना नहीं खा पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, फार्मर इतना नहीं कमाते, सिर्फ जो मीडिएटर्स होते हैं वो कमाते हैं। सो वो लिटरली मेहनत करते हैं, आप दिन दिन रात एक करते हैं इन फसलों के लिए, हमारे लिए और हमारे इस जो ह्यूमन रेस है उसको चलाने के लिए। और ये जितने सुंदर सुंदर खेत देख रहे हैं आप, इनके लिए अपने फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए, स्टैंड विद देम एंड स्टैंड अगेंस्ट हु आर नॉट डूइंग राइट थिंग्स टू देम। आई एम नॉट श्योर कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं कोई पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं दे रहा अपना, और ना मेरा कोई ओपिनियन है तो भी वेरी फ्रैंक मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो इंसान अपना घर बार छोड़ के रोडों के ऊपर बैठा है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा यार, कोई बिना बात का अपना घर छोड़ के नहीं आता, चाहे मैं ही हूँ। जो परेशान होता है उस लेवल पर, तभी वही इंसान अपने घर से बाहर निकलता है। तो इसलिए प्रोटेक्ट द फार्मर, प्रोटेस्ट विद देम। मायूकल बैग है वो मेरे वाला सेम सीरीज है, मेरे पास जो है उस पर स्पाइडर बना हुआ है एंड इस पर स्पाइडर मैन बना हुआ है, इतना ही फर्क है। तो मायूक जो है हमारे पास रोहतक से आता है हमारे साथ राइड करने, तो अगर आप रोहतक के हैं तो मैं उसकी इंस्टा आई डी शेयर कर रहा हूँ, फॉलो कर लीजिए। भाई को तो मीडिया का फुल सपोर्ट, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता यार, बट अगर आपके आस पास के एरिया के लोग आपको सपोर्ट करें तो आपको अच्छा लगता है। तो वैसे हमारे साथ रोहतक से दुष्यंत भी होता है, लेकिन दुष्यंत आज राइड पर है नहीं, मायूक दिल्ली में था, इधर राइड पर आ गया, लेकिन दुष्यंत नहीं आ पाया क्योंकि बॉर्डर्स वगैरह का इशू चल रहा है, बंद चल रहे हैं बॉर्डर्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर और पुराने वाली तीन के अंदर, पीछे से आप बताने लगते कि न्यू वाली है या पुरानी वाली है, बट आगे से तो पूरा ही पूरा कुछ अलग है। एंड सबसे बड़ी बात है जो राइड वायर है और वो सब चीज़ें जो आई हैं, राइडिंग मोड्स आए हैं उसके अंदर, वो बहुत बढ़िया चीज़ दी है उन्होंने इसके अंदर यार। अब इस टाइम पर रिक्वायरमेंट थी इन चीज़ों की, क्योंकि आपने देखा है दिन ब दिन जो सुपर बाइक कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर। तो रिस्पॉन्सिबिली राइड करने के साथ साथ आपको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए होता है। ये देखिए समझदार लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के, जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं हाईवे के ऊपर। यार तारा ने अपनी बाइक कर लिया लोड स्टिकर से, स्टिकर से यार डिश क्या हूं। ये रहा आकाश 300, इसके 1000 सब्सक्राइबर हो गए पूरे, थैंक्स अ लॉट। मैंने शॉर्ट आउट दिया था, उसकी वजह से भी कुछ सब्सक्राइबर जरूर मिले होंगे, मुझे पता है आप मेरे भाई हो और मेरे के इतनी बातें मान सकते हो मेरे लिए, तो थैंक्स अ लॉट यार सबका, जिसने जिसने सब्सक्राइब करा आकाश को मेरे कहने पर। अगर आपने नहीं करा तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो उसका चैनल और सपोर्ट करो उसको भी। तो ये लो जी हमारे आगे आ गई है अंग्रेजों की बुलेट, अंग्रेजों की रॉयल एनफील्ड हार्ले डेविडसन। आवाज भी बुलेट जैसी है इसकी यार, मेरे पास थी पहले तो, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो बहुत पसंद नहीं है। हाँ फैट बॉय वो तो बात अलग है, बट आयरन सीरीज अपने को ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो यहाँ से हमने जो उन्होंने वो मेन हाईवे का रास्ता बंद कर रखा है नीचे जाने के लिए कह रहे हैं, मेन हाईवे जो है ये बंद कर रखा है, हमें सर्विस लेन जाना पड़ रहा है साइड लेन से, तो इसलिए राइड हो गई है थोड़ी सी स्लो, बट आगे पक्का हमें कंफर्म है, हमने एलिवेटेड रोड ले ली है। अगर हम वो रास्ता पकड़ पाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वहाँ पर, तो अगर वो रोड ले ली तो एलिवेटेड रोड लेंगे एंड वहाँ से हम सीधा सीधा चले जाएंगे हाई स्पीड पर अपनी वापस। मैं रह गया थोड़ा पीछे क्योंकि मैंने बाइक रोक ली थी, जरा सिद्धू मूसे वाला गाना लगा ले, मैं क्या राइड कर रहे संडे को और फिलहाल ट्रैफिक है, पकाने का टाइम तो है नहीं, तो थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करे बाइक चलाते चलाते एंड थोड़े देर पंप हो गया था यार मूसे वाले गाना सुन के। तो जो मैं गाना सुन रहा हूँ उसका नाम है सिद्धू मूसे वाले लाइफ स्टाइल, यूट्यूब पर मिलेगा खाली आपको, गाना वाना ऐप पर है नहीं, क्योंकि आई थिंक ये जो गाना है वो लीक्ड वर्जन है, कभी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ।
हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा, देखते हैं कि खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ, तो निकल भी गए क्योंकि मैं थोड़ा पीछे रह गया था। ओ खड़े हैं हमारे लड़के, सबसे अच्छी बात वाइफ ने नोटिस की है कि ये हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते कभी भी। चलो 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 अब सो हमें शहदाब भाई ने किया है ज्वाइन, एंड शहदाब भाई मिले थे हमें। ओह टू ब्रदर्स, लाउड नहीं है लाउड, ऐसे लाउड कहते इसको, इसको कहते हैं लाउड। चले छोड़ दी है क्योंकि वो मेरे ब्लॉग देखता है, वो ही हाथ जोड़ के बेचारे कह रहा है। चलिए चलते हैं, हमारे साइड राइडर हमारी वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो डाइवर्जन दे रखी है उन्होंने, तो कोई गुम ना जाए क्योंकि जनरली क्या होता है जब आप ग्रुप बड़ा हो ना तो कोई इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत आती है। अभी फिलहाल हम अंदर अंदर से जा रहे हैं, नोएडा नहीं है, चलिए मुझे पता नहीं कौन सा रोड है, मैं ऐसे बोल दूँ तो हम, हाँ वैसे नोएडा ही है लेफ्ट साइड में, मुझे याद है कि पीछे नोएडा का एग्जीबिशन होता था, IMS नोएडा लिखा है इधर। हम यहाँ से कॉर्नर से जा रहे हैं, आगे जाके ये रोड ही वापस जुड़ जाएगी वापस शायद एक्सप्रेसवे पे। तो भाई लोग आपसे एक बात करनी थी, शेयर अपना ऑर्डर कर रखा था, एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज, बहुत बढ़िया सी चीज़ स्पेशली अपनी एहसास नारा के साथ मैचिंग अपने लिए ऑर्डर कर रखी थी, एंड फाइनली वो आ गई है, उस पर स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगा, बहुत एक्सक्लूसिव ऐसे हाथ दिखा के, बहुत बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसका ब्लॉग जो है वो 2-3 दिन बाद आएगा, अभी अच्छे से शूट करेंगे उसके ऊपर, अच्छा सा शूट बनाएंगे, आपको पहन के दिखाएंगे, लगा के दिखाएंगे, कहते क्या करते होते पहनते होते लगाते मुझे पता नहीं। सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग्स अगर आपको जानना है कि वो क्या सरप्राइज, सीरियसली कह रहा हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। 1 out of 500 pieces इन वर्ल्ड है मैंने मंगवाए अपने लिए, सो उस पर ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द, इसी हफ्ते के अंदर ब्लॉग बना दूंगा, डाल दूंगा, मे बी थर्सडे या फ्राइडे को आ जाएगा, तो बने रहिएगा तब तक हमारे साथ एंड प्यार देते रहिएगा। तो आज की राइड करते हैं खत्म, आई होप आपको ये ब्लॉग आया होगा पसंद, ये रॉ ब्लॉग्स पसंद आए होंगे, तो कल आपको मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय।